या 10th में जो आपकी परसेंटेज है वो क्वाइट लो हो। सो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं कि मेरे 7 बैंड हैं, मेरे 51% हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कनाडा तो 6 ईच पे वीज़ा दे देता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कनाडा आपके मार्क्स भी देखता है, जो आपके इंडिविजुअल स्कोर हैं वो भी देखता है। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर कनाडा। इवन वी हैंडेड ओवर अ वीज़ा डे बिफोर यस्टरडे, वी हैड 7, तो आफ्टर 7 सिटीजन वी गॉट वीज़ा फ्रॉम लैंडमार्क। सो पहले तो रीज़न ये हो सकता है कि आपने आपकी परसेंटेज लो हो। सो 12th या 10th में जो आपकी परसेंटेज है वो क्वाइट लो हो। सो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं कि मेरे 7 बैंड हैं, मेरे 51% हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कनाडा तो 6 ईच पे वीज़ा दे देता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कनाडा आपके मार्क्स भी देखता है, जो आपके इंडिविजुअल स्कोर हैं वो भी देखता है। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर कनाडा। सेकेंडली ये हो सकता है कि कई बार जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो जब अपना क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लेते हैं वो सही कोर्स नहीं लेते हैं, तो वो भी रीज़न हो सकता है। 7 बैंड के बावजूद भी ग्रेजुएट स्टूडेंट कई बार अंडर ग्रेजुएट कोर्स ले लेते हैं और उसकी वजह से भी उनको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ सकता है। थर्डली ये रीज़न होता है कि जब ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उसने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लिया बट वो उसके रिलेटेड ही नहीं लिया, या फिर कॉलेज में लिया। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट ने जब कॉलेज में कोर्स लिया तो उसको रिफ्यूज़ल आ जाती है, जब वो यूनिवर्सिटी चूज करता है तो उसका वीज़ा आता है। सो मैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी चूज़ करें ताकि आपका वीज़ा सक्सेस रेट बेटर रह सके। फोर्थ यही है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, ओवर क्वालिफाइड हैं, MCA है बच्चा, या सपोज MTech इन कंप्यूटर्स है, वो कोर्स ले लेता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाई वो तो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी यू स्टडीड, सो वॉट इज़ द न्यू, आर यू डूइंग गोइंग टू डू एनी स्पेशलाइजेशन लाइक साइबर सिक्योरिटी, वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट? ऐसा कुछ नहीं होता। सो इस केसेस में भी कई बार स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जब 7 बैंड होने के बावजूद भी हमें रिफ्यूज़ल आ जाती है। सो फिर भी जिन बच्चों को भी रिफ्यूज़ल आई है, मैं उनको कहूँगा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू रीफाइल योर केस इन अ राइट वे, यू विल गेट अ वीज़ा। आई हैव स्टूडेंट्स हु गॉट देयर वीज़ाज आफ्टर मैनी मैनी रिफ्यूज़ल्स। इवन वी हैंडेड ओवर अ वीज़ा डे बिफोर यस्टरडे, ही हैड 7 रिफ्यूज़ल्स। सो आफ्टर 7 रिफ्यूज़ल्स ही गॉट वीज़ा फ्रॉम लैंडमार्क। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट द केस कि आपको वीज़ा नहीं आ सकता। वीज़ा आ सकता है, अगर हम सही तरीके से आपकी फ़ाइल लगाएंगे तो आपका वीज़ा आ सकता है।